ये हमारे दुराचारी नास्तिक हिंदुओं का नाश करने वाला ये हमारा शिक्षा मंत्री बनने के लायक है कभी नहीं है। जिसके दादा परदादा हमारे ग्रंथ को देख के आगे बढ़े और पढ़ के आगे बढ़े वो आज हिंदू पे कलंक और हिंदू पे उंगली उठा रहा है, हिंदू के रामचरित मानस पे उंगली उठा रहा है। उसके बाप दादाओं ने यही पढ़ के अंतिम सांस लिया होगा, राम का नाम लिया होगा। वो दुराचारी जो अभी शिक्षा मंत्री है जिसके सरकार में है वो ऐसे नाम सकते हैं। छपरा में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा शहर के नगरपालिका चौक पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री को जूते चप्पलों की माला पहनाकर उनके पुतले का दहन भी किया गया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार सरकार से यह मांग की गई कि जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री को हटाए और वह सभी से माफी मांगे। मामला रामचरितमानस पर विवादित बयान का है जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और अगर बात करें अलग अलग संगठन के द्वारा लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कहा कि अगर बिहार सरकार अविलंब शिक्षा मंत्री को पार्टी से नहीं हटाती है तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे राज्य और देश भर में आंदोलन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री हाय हाय बस मंत्री चंद्रशेखर जी के शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है रामचरितमानस के बारे में टिप्पणी किया है, उन्होंने कहाँ से वो लाइन पढ़ा है हम नहीं जानते हैं। हमने सिर्फ राम जो रामचरितमानस है हम बचपन से ही सुनने आए कि वो हमारा ग्रंथ है और उसको हम स्वीकारते हैं, और इनको कौन सी लाइन मिल गई जिसके बारे में इन्होंने हमारे रामचरितमानस का अपमान किया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ था, और हम यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द माफ़ी मांगे और जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं उनको जल्द से जल्द इस्तीफा उनका ले, नहीं तो हम लोग ये आंदोलन गांव गांव तक ले जाएंगे, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। क्या नाम है आपका? मैं बसंत कुमार सोनू, जिला संयोजक सिंधु परिषद। ये आक्रोश हम लोग इसलिए किए हैं कि बिहार का जो मुख्यमंत्री है माननीय नीतीश कुमार, ऐसे शिक्षा मंत्री को बिहार बोले हैं और जो कि तालिबान के तर्ज पर वो काम कर रहा है। ये रामचरितमानस को पूरे वर्ल्ड में इंडोनेशिया से लेकर सऊदी कतर तक रामचरितमानस को पवित्र ग्रंथ माना जाता है। उस ग्रंथ को एक तालिबानी शिक्षा मंत्री को लिया कर बैठा दिया गया है, जो कि शिक्षा मंत्री तालिबानी रहेगा तो तालिबानी विचारधारा तालिबानी शिक्षा का प्रारंभ होगा। ऐसे तालिबानी शिक्षा मंत्री को हम लोग जनता से मानने का काम करेंगे और जल्द से जल्द सरकार बर्दाश्त करे, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे बिहार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार, विश्व हिंदू परिषद विभाग से मंत्री छपरा। द्वारा लिखा गया ग्रंथ को उन्होंने आपत्तिजनक अपने बातों से जितना भ्रम फैलाने का कोशिश किया है वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पंचायत स्तर पे जा करके हर एक कार्यकर्ता को घर से निकाल करके और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा पूरे राज्य स्तर पे, बिहार स्तर पे, और हो सके तो पूरे भारत में इसका विरोध किया। क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नगर संयोजक मनोज कुमार चंद्र। मांग क्या है? मांग तत्काल उनको इस्तीफा दिया जाए। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लेने में भी घृणा आ रहा है उनका, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, नहीं तो इसका विरोध पूरे भारत में देखने को मिलेगा। इंसान शिक्षा मंत्री होते हुए